अब देखो जैसे कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन साथ के साथ वो फैट बर्न करने में भी हेल्प करता है। हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कि अच्छा तूने आयरन लेना शुरू किया, हाँ मेरे को भी ये मंगवा दे, ये नहीं करना है। जो आपकी प्रोसेस है, जो आप वो करना चाह रही है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लॉलेस स्किन अचीव करना चाह रही है, उसमें हेल्प मिलेगी। आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं है ना, तो भाई स्ट्रेस के मामले में, काम के मामले में सब कुछ एक जैसा हो रहा है। नया साल आने वाला है और इस साल हम सोच रहे हैं कि इस बार ना मैं अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और देखना इतने किलो इतने दिन में कम कर लूंगी। और ये इतने दिन में इतने किलो कम करने के लिए जब आप YouTube पर जाती हैं तो देखती हैं कि 10 दिन में 10 किलो कम हो जाएगा और आप ऐसे फॉलो करनी शुरू कर देती हैं। पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, और दूसरा अगर आप ऐसा कर रही हैं तो दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू, बिकॉज इसके कारण आपकी बॉडी में और भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं जो हम अल्टीमेटली नहीं चाहते हैं। तो आज हम जोश टॉक्स आशा की इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि नया साल चढ़ते ही हम अपनी रूटीन में क्या क्या वो चीजें फॉलो करें जिससे हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे एंड ऑन टॉप ऑफ इट वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प हो। अब जब हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम ऐसे बोलते हैं कि क्या आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, पर ऐसा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है? क्योंकि हम दिन में देखो अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, एक तो हवा साफ होती है ना, मुश्किल से अगर आप ऐसे मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, पोल्यूशन और डस्ट के कारण आपकी स्किन और फेफड़े दोनों सफर करते हैं। लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो डायरेक्टली आपको सन से सनलाइट मिलती है, विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी की प्रॉब्लम आप देख रहे हो कि हर दूसरे बंदे को है ना उसकी डेफिशिएंसी है, जिसके कारण बॉडी में और सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना आपकी हेल्प करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो आपको ऐसे लगता है अरे दिन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, मेरे पास कितना सारा टाइम है। तो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी लगेगा कि भाई बहुत टाइम है, मैं सब कुछ कर लूंगी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोगों को आदत है ना कि हम लोग लेट उठेंगे, फिर ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे या फिर सिर्फ चाय से काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। बिकॉज अगर आप ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो एसिडिटी तो होती होती है, लेकिन उसी के साथ साथ वो जो क्रेविंग होती है ना, वो फिर खुद ही आपका हाथ जाता है फोन की तरफ कि मैं ना कुछ बढ़िया सा मंगाती हूँ, कुछ मीठा मंगाती हूँ, कुछ ऐसे करारा सा खाने का मन कर रहा है, जो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को फिर से गलत तरीके से इफेक्ट करता है। तो इसीलिए अपनी मील्स प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों मील्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ जैसे हर कहीं आपने देखा है ना, डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ स्मॉल स्नैक्स जरूर लेने चाहिए, और अपने बैग में वो रखने बहुत जरूरी है। जैसे आप मखाने रख सकते हो या फिर रोस्टेड नट्स रख सकते हो, ऐसा सब कुछ जरूर अपने साथ रखो, और कुछ कुछ देर के बाद जरूर कुछ ना कुछ खाओ। अब देखो कह रहे ना कि आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं है ना, तो भाई स्ट्रेस के मामले में, काम के मामले में सब कुछ एक जैसा हो रहा है। और फिर हमारी आदतें भी ऐसे ही हैं कि आज ना थोड़ा ज्यादा काम हो गया, चलो पार्टी करने चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स करना है, चलो स्मोक कर लेते हैं, या फिर भाई पार्टी करते हैं बिल्कुल ऐसे नाचेंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्ट्रेस रिलीव करना चाह रही हैं तो उस टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन व्हेन यू कम बैक टू द रियलिटी नेक्स्ट डे तो आपको लगता है कि ओ नो, मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ। तो उस गिने चुने टाइम के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप जो भी एडिक्शन की तरफ गए, वो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इतनी सी देर के लिए, इतनी देर के लिए अपनी बॉडी खराब नहीं करनी है। देखो हमारी बॉडी ना हमें छोटे छोटे ऐसे साइंस देती रहती है कि तुम्हारे ना ऐसे घुटने दर्द हो रहे हैं, तो हो सकता है तुम में कैल्शियम की दिक्कत है, या फिर तुम्हारी स्किन पर दिख रहा है, तो हो सकता है तुम्हें कोई अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो ये इग्नोर नहीं करना है। वो सभी के सभी डॉक्टर्स और सभी के सभी डर्मास यही कहते हैं कि कुछ कुछ टाइम के बाद आपको अपने ब्लड टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, ताकि उससे आपको पता लग जाए कि आपकी बॉडी आपको क्या कहना चाह रही है कि हेलो मेरे में कैल्शियम की कमी है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी बॉडी की सुने। अब देखो जैसे कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन साथ के साथ वो फैट बर्न करने में भी हेल्प करता है। और अगर मैं बात करूँ आयरन की, तो जो आपकी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आप अपने टेस्ट करवाओ और देखो कि आपको किन किन चीजों की कमी है और आपको किस हिसाब से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और सप्लीमेंट्स भी ऐसे नहीं कि अच्छा तूने आयरन लेना शुरू किया, हाँ मेरे को भी ये मंगवा दे, ये नहीं करना है। प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू करेंगे। अब अक्सर ऐसे होता है कि हम प्रोसेस्ड खाना तो ले आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितने सारे केमिकल से होके, कितनी सारी जगहों से होके फाइनली आपके हाथ में आया है, एंड वो आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है कितना नहीं, ये हम नहीं देखते हैं।
क्योंकि जब इसके बाद आ जाती है ना टेस्ट की तो हमें फिक्र ही नहीं होती कि कोई बात नहीं देखी जाएगी। लेकिन ये देखी जाएगी वाला एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करेंगे। हफ्ते में एक आधी बार बाहर से चलता है, लेकिन रोज 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 ऐसे रोज रोज बाहर का खाना हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कुछ लेते हैं तो आप पहले तो उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और फिर उसके बाद ये जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं और ये बड़ों के फैलसूफियां हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी लोकल करियाना स्टोर से भी आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में दालें वाले भी आती हैं और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी आते हैं। तो जब भी आप कुछ लेते हैं तो पहले डिसाइड करो, देखो कि भाई कहाँ से आ रहा है क्या नहीं, और फिर उसके बाद उसको कंज्यूम करो। अब देखो साल की शुरुआत ही है ना, 365 डेज है हमारे पास, तो इसमें से डिसाइड करने से कम 300 डेज हम रोज रोज वर्कआउट करेंगे, चाहे वो हैवी वर्कआउट है चाहे वो लो वर्कआउट है, लेकिन अपने लिए दिन में कम से कम आधा घंटा जरूर निकालेंगे, जिसे हम होम वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, या जुम्बा क्लासेस जा सकते हैं, या फिर एरोबिक्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग, बस आपको वो गिने चुने आधा घंटा निकालना होगा और अपने आप के साथ स्पेंड करना होगा वर्कआउट करके। अब हम ना जब भी जाते हैं ऐसे आर्टिकल्स देखते हैं, है ना, इतने सारे वीडियोस आते हैं कि सुबह उठ के एक चम्मच हैड डाल के गर्म पानी पी लोगे तो बॉडी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप उसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो इसके साथ हमारा गला तो बेहतर रहता ही रहता है, लेकिन उसी का इम्पैक्ट आपकी स्किन पर भी दिखता है। वो कैसे? एक्ने कम हो जाते हैं, स्किन मॉइस्ट और फ्रेश दिखती है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके साथ आप कई इन्फेक्शंस को भी फाइट कर सकते हैं सिर्फ गर्म पानी पीने से। अब वो जो गर्म पानी आपको ऐसे लगता है ना कि प्यास नहीं बुझ रही है मेरे जैसे, तो हमने वो नहीं करना है। गर्म पानी जरूर कम से कम 2 से 3 कप दिन में पीना ही पीना है। तो बस यही गिनी चुनी चीजें हैं जो हमें अपनी रूटीन में फॉलो करनी है, जो हम ऑलरेडी करते आ रहे थे वो तो करते ही रहना है। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो आपकी प्रोसेस है, जो आप वो करना चाह रही है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लॉलेस स्किन अचीव करना चाह रही है, उसमें हेल्प मिलेगी और हो सकता है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। तो बस ये 7 पॉइंट्स याद रखना, और मैं आपको मिलूंगी जोश टॉक्स आशा की अगली वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर ऑफ योर स्किन, ऑफ योर हेल्थ, एंड अपना ख्याल रखना।